राम राम जी सारे, उम्मीद गुरु सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। शाम का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं और अंधेरा हो चुका है। देखो अंधेरा कितना हो चुका है। तो आज मैं अपनी पालक की सब्जी बना रही, पालक के क्या चने थे तो कि गहन था ना उस दिन, तो पड़ोस में ना गर्भवती महिला है तो चाहो भूल गई मैं तो वो भट्टा कर रहा है बाहर ना चढ़ा, भी बच्चा पना चढ़ा है या माँ पना चढ़ा है, तो वो बाहर उतार दिया कर चने चने बाट का है। तो देखो ये चने हैं थोड़े, वो देगी थी शाम के टाइम पे, वैसे तो को खावा नहीं। फिर मैंने सोचा मैं चलो प्याज का छोंक लगा दू, प्याज का जीरा का छोंक लगा दूंगी इसमें मैं, और छोंक लगाने के बाद कुछ तो फिर साथ के साथ सब्जी में डाल दूंगी, सब्जी भी बना लूंगी, सब्जी के लिए अलग काट लूंगी मैं, पालक की सब्जी बनाऊंगी और इनमें बाकली में भी प्याज का छोंक लग जाएगा, तो फिर उसमें नून मिर्च मिला दूंगी, फिर किटू खा लेगा, वैसे तो खावा को नहीं। फिर मैं चल क्यों कोई बकड़ी काटी बढ़ा दें तो खाने को नहीं, तो मैं देखो दिखाती हूँ मैं आपको, देखो छोंक लगा के छोंक का अलग से निकाल दूंगी पालक का, और बकड़ी का अलग निकाल दूंगी, अभी दिखाती हूँ आपको। तो सुबह हमने कड़ी चावल बनाए थे, फिर सब्जी रह नहीं रही थी, फिर पालक रखी थी मैंने छोड़ के, एक दिन पालक की सब्जी बनाई थी तो मैंने रायता के लिए रख दी थी, फिर रायता उस दिन बनाया नहीं, फिर मैंने सोचा चल आज थोड़ी सी है पालक, पालक की सब्जी बना देती हूँ और उसमें छोंक लगा दूंगी। पकड़ लिया मैं एक आधे बारी साल कस्सा हो जा, जी साल कस्सा हो रहा, बस ऐसा हो रहा है कोई रोटी पका खुवा दे सो जावे, तो रोटी खाना तो बनाना पड़ेगा, सब्जी बनाकर खाना बनाकर साइड दे, या पानी भी आएगा हमारे, या पानी में भी टाइम लगेगा, तो बस सो गया बनी ना 10:11 तो नॉर्मल बज जाए, 11 तो बज जाओ हमने। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको बाकली भी दिखाऊंगी मैं कैसे बनाते हैं बाकली, और बहुत टेस्ट लगता है उसमें नून मिर्च और छोंक लगाया जाता है ना, तो बहुत ही टेस्टी बन जाती है। फिर मैं सोचा मैं किटू आऊंगा ना कड़ी मिर्च की किटू आते खा लेगा, उसके लिए माँ को भी यही सोचती है बच्चों को क्या क्या खिला खिला दे बना बना कर, फिर बच्चे करते हैं बच्चे तो ये कह देते हैं अभी नहीं करते हैं। तो एक टमाटर काटा था मैंने, 2-3 प्याज काट दिए थे, मैं कुछ सब्जी के लिए निकाल लूंगी पहला, और कुछ इनमें बकलियों में एक एक साथ ही बन जाएगा सारा। तो ये मैंने पालक घोल रखी है, पालक को थोड़ा बेसन और नून में सब्जी बना दी है, इसमें जो एक बार ही मैंने छोंक लगा दी कुछ, इसमें निकाल के निकाल दूंगी, और इसमें जैसे तड़का लगा दूंगी फ्राई पैन में डाल के, इसमें मैंने छोंक लगा दिया, और ये बकलियों के लिए रख दूंगी कि वो खा लेगा ये बकली, इसमें मिला लेगा, तो ये अच्छी रेसिपी बन गई है बढ़िया वाली बकली। तो खाने में भी टेस्ट बड़ा गाइस में हल्की हल्की मिर्ची और काला और नमक डाल दिया और प्याज का टमाटर का छिलका मसाला डाल दिया, तो अच्छी लगेगी खाने को, किसी के साथ खाओ तो उसी के साथ खा लो, बस ही खाओगा तो वैसे ही खा लेगा, बन गया अच्छे से। तो इसको तो मैं इसमें कटोरी में ही निकाल दूंगी, बिल्कुल साफ कर दिया है सारी, निकाल दिए मैंने बाकली क्योंकि इसमें सब्जी में ना बढ़िया नहीं लगा बाकली, तो देखो गया ना भी साथ में अलग अलग लगा के तो एक बार ही में हो गया, ये सब्जी हो जाएगी धीरे-धीरे, इसमें तो खाने का हमारा, तो भी अब हमारा रात का खाना बन रहा है, पालक की सब्जी बना दी है और चने छोंक दिए हैं, और भाई फिर क्यों क्या तुम्हारे घेर में है, अच्छा फिर कट्ठे खा ले जाएंगे हमें जब चुकड़े भी लियांगे तू है, और क्या कट्ठे खा दूंगी कौन जाओगा उड़े फिर खाल दूंगी। तो भाई करवे आले आ गए हैं, करवे ले गए हमें क्योंकि मिट्टी के करवे लेने हैं, करवे मिट्टी के करवे, तो भाई ये करवे वाले हैं हमने करवा ले लिया है, तो हमारे यहाँ घर घर पर ही दे जाते हैं
अगर वे भी वही भी अब वही के टाइम पर वही दे जाएंगे। अभी करवा जो चौथ का होगा ना, पहले व्रत तो करवा देगी, फिर वही माता दे जाओगी। कौन सी क्लास में पढ़े बेटा? हाँ स्कूल में नहीं गया था, अच्छा इसलिए नहीं गया ये देने। अच्छा और ये बनवाए तो भी हमने ले लिया करवा। तो इकट्ठे डाल देंगे फिर, क्यों क्योंकि करवे ले लिए वही माता भी देकर जा, वही माता भी देकर जाओगी और फिर चुगड़े चगड़े दिवाले के चुगड़े भी देकर जाओगी, तो इकट्ठे दाने का डाल दूंगी मैं। तो इस करवे को मैं ना सेफ जगह पर रख देती हूँ, कहीं किसी का हाथ उठ ना लगे इतने, तो अच्छे से अच्छी तरह जगह पर रख देती हूँ इसको मैं। गोबर तो भी गोबर गाबर तो मैंने दिया सामर झाड़ू लगा दिया है यहाँ को, क्योंकि बुरा हाल करते हैं और कुछ ठंड सी होगी, बाथरूम बुथरूम ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर मैं इनको इंक गाल दी एक बार। पुरता अल्लाह है सारा बादशाह दे। अच्छा तो अल्लाह भी जानी जब भाई। हाय हेल। तो ये क्या मां का फुहारा चल पड़ा है? जी हाँ। मारे भी काल बोंग लाग रही थी। आप कद बोंगे? आज पढ़े करिए, अभी 10 दिन पाछा बू जाएंगे। अच्छा कई दिन पाछा बू है? हां दिवाली धोरे के बूंगे। फिर पढ़े लेट करी भी आपा ने फिर पड़ोसियां तो कौन कर रखी थी अपने सारे ने गा खाओ। अच्छा ये पड़ोसियां ने कर दी, दोया ने कर दी। हां वो ही मिल गा तो खाओगे तो वो भी खाओगे। अरे खाओ तो क्यों, तो खाओगे एक तो आप अपने खाए जाओ और की दे के नंबर नहीं आवे उन का भी नुकसान नहीं होगा बेचारे का। तो ही कब कब दाल आई मस्त होने ना, इतनी नींद सी आवे ही। वो तो दोपहर ने रोटी खा ली, रोटी खाए पति सौर गंगेला सजन सो जा, दोपहर ने रोटी ना खा करो रज खा ली, ये बीमार हो पास भूख ज्यादा लगा है, खाए जा खाए जा उल्टी है फिर मगा मोटी हो जाऊ क्योंकि ढीली हो रही हूँ। तो हो नहीं रही हूँ ढीली। हाँ देख लिया भाई क्या कह आसिया जाऊ मत हो तो तेरा मेरा देखा जुड़ू थोड़ी हूँ। चलो तो भी दिखाती हूँ, आज करवे वाली आई थी का तो करवे लिए है हमें, अभी दिखाऊंगी। फिर भैंस भूसों का काम किया था मैंने और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, आज मैंने सब्जी बनाई भैंसों का काम किया। और मेरी वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना ढेर सारा प्यार देना। राम राम। आज मेरी हिम्मत सी नहीं है और क्योंकि वीडियो में उसमें फोन पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्या निकलता है, नींद सी आ रही है क्योंकि फोन में बैटरी भी कम रह गई है, दाल सी चटकी मिर्चों की और चार्ज भी लगाऊंगी क्योंकि फिर आते की टू खेल लगा दांसी चढ़ गई। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना और राम राम।